वेलकम टू ईशानी वीडियोस। नागिन सीजन 4 के आने वाले एपिसोड में आज यहां पर नयनतारा के साथ में क्या हुआ था और विशाखा कैसे आई और साथ ही साथ यहां पर मान्यता कैसे याद दिलाएगी सारी बातें अब यहां पर अपनी बेटी यानी वृंदा को, तो यहां पर सारी बातें आज होने वाली है। लेकिन एक सबसे बड़े राज का खुलासा जो कि आप सबको देखने को मिलेगा कि आखिर में विशाखा का आने का असली मकसद क्या है, आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो डिटेल में बताएंगे आज के आने वाले एपिसोड की सारी बातें और साथ साथ आपको एक ऐसा चौंकाने वाली खबर जो कि आप सबको काफी ज्यादा चौंका कर रख देगी। अब आखिर में यहां पर विशाखा का आने का असली मकसद क्या है उसके बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करके हमेशा ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट लाते रहते हैं। आप एक लाइक करेंगे हमें अप्रिसिएशन मिलेगी और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते रहेंगे। आने वाले एपिसोड में आज के आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वृंदा और नयनतारा के सामने लाश रखकर यहां पर मान्यता काफी ज्यादा रो रहे होंगे और यहां पर बदला लेने के लिए अपनी बातें आगे रख रहे होंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं और अचानक से विष यहां पर सामने आ जाएगी। अब आखिर में ये सब हो क्या रहा है, ये सब देखकर यहां पर चौंकने वाली है वृंदा और उसका आमना सामना होगा यहां पर एक बार फिर से यहां किसी और के नहीं विशाखा से। अब आखिर में विशाखा का आने का मकसद क्या है इसको हम वीडियो के लास्ट में बताते हैं, लेकिन यही दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मान्यता और वृंदा काफी ज्यादा उदास हैं और वृंदा और मान्यता दोनों मिलकर अब पारिक फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करने की बात करती है और यहाँ पर पूरी तरह से उनके सभी परिवार वालों को खत्म करने की बात करती है। और वहीं दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर मान्यता वृंदा को उसके अतीत के बारे में याद दिलाती है कि आखिर में उसके बाबा के साथ में क्या हुआ था, किस तरह से पारिक फैमिली ने मिलकर उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। अब यहां पर वृंदा को वो सब याद आने लग जाता है, लेकिन कहानी में मोड़ तो अभी आया। अभी यहां पर आपको एक तरफ ये बात देखने को मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर वृंदा को एक पूरी तरह से ऐसे रास्ता मिल चुका है जिसके वजह से वो पारिक फैमिली में रह के उन्हें बर्बाद कर सकती है, यानी यहां पर उसके सामने अब आ चुका है एक ऐसा मोड़ जिसकी वजह से यहां पर उसे पारिक फैमिली में एंट्री लेनी पड़ेगी, यानी कि अब वो पूरी तरह से देव की पत्नी का हक जताते हुए घर के अंदर एंट्री लेगी। चार फेरे ही हुए, लेकिन चलिए आधी शादी तो हो गई और इसी को यहां पर अपनी ढाल बनाते हुए वृंदा अब पारिक फैमिली में एंट्री लेने वाली है। पहले काफी ज्यादा बातें सुनाई जाएंगी, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ा मोड़ आएगा कहानी में। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर में यहां पर नयनतारा का क्या हुआ, वो नयनतारा नहीं यहां पर नयनतारा के भेष में कोई और नहीं विशाखा थी और विशाखा यहां पर पूरी तरह से सामने आएगी आप सबके। और सबसे बड़े चौंकाने वाला खबर अब हम आपको बताने जा रहे हैं, चौंकाने वाली खबर क्या है चलिए आपको बताते हैं। आखिर में किस आई है यहाँ पर विशाखा और आखिर में उसका किरदार क्या है, तो यहाँ पर हमें एक पोस्ट से पता चला, कलर्स टीवी की तरफ से एक पोस्ट किया गया था जिसके अंदर दिखाया गया था नागरानी विशाखा, यानी यहाँ पर अब नागिन सीजन 4 के अंदर विशाखा नागरानी के रूप में नजर आएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा राज जो कि लाल टेकड़ी मंदिर से जुड़ा हुआ है उसका पता चलेगा और वहीं यहाँ पर विशाखा अब नयनतारा का साथ देते हुए नजर आएगी और नयनतारा के यहाँ पर साथ से वो अपना अधूरा काम जो छूट चुका था वो पूरा करने के लिए आई है। अब आखिर में अधूरा काम क्या है जल्दी आपको पता चल जाएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू।